तो वहाँ पे जो अपने छोटे से बगीचा में जहाँ पे किचन है वहाँ से टमाटर का बीज बनाए थे, तो यहाँ पे बो दिए हैं। यहाँ पे अभी गेंदा जो फूल नहीं फूला था उसी में का बीज इसमें डाल दिए थे। देखिए ये गेंदा कितना बढ़िया हुआ है, इसको उखाड़ के लाइन से बोएंगे। राम राम जी, आप सभी का स्वागत है दादा जी के ढाबा में। तो दोस्तों, होली आने वाला है और होली हम सभी का सबसे बड़ा त्यौहार है। इसमें त्योहारों में क्या होता है, आदमी पकवान खाता है, यानी कि पुआ, गुजिया, बोजा, बाजका, नमकीन, यही सब मीठा और तीखा। होली पर तो बहुत सारा व्यंजन बनता है, तो जो भी हमसे होता है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो होली आने वाला है तो हम आप लोगों को बहुत सारी रेसिपी देने वाले हैं, आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि कैसा बना है। तो आज हम बनाने वाले हैं 5-6 तरह का पकौड़ा। खेत में बहुत सारा सामान हुआ पड़ा है लेकिन समय नहीं मिलने की वजह से नहीं बन पा रहा है, तो चलिए आज बनाएंगे बहुत सारे पकौड़े। हैप्पी होली दोस्तों, होली का ढेर सारा शुभकामनाएं दोस्तों। हमारे प्यारे प्यारे दोस्त इतना जुड़े हैं और बहुत सारी रेसिपी का डिमांड कर रहे हैं, तो कुछ हम देंगे कुछ हमारे हस्बैंड जी से दिलवाएंगे। तो देखिए, खेतों में आए हम लोग, सोच रहे हैं कि क्या बनाएं कि आप लोगों को अच्छा लगे त्यौहार पे। तो दोस्तों, खूब मिलजुल के मनाइएगा होली आप लोग भी, और पकवान भरपूर खाइएगा। मतलब त्यौहार का मतलब है पकवान। दिल खिल जाते हैं, अरे वाह, रंगों में रंग मिल जाए। गोभी तो बहुत हुआ है लेकिन एक छोटा सा गोभी चाहिए, पकौड़ा कितना बनाइएगा तो एक गोभी दे देते हैं। आज रंग बिरंगा हम सब्जियां तोड़ेंगे दोस्तों। बैगन है इसमें ना? बैगन हम तो सोच रहे हैं कि दोस्तों के लिए स्पेशल रेसिपी ले आए। आप अपना रेसिपी दीजिए, हम अपना रेसिपी देते हैं और देखते हैं हो जाए एक रेसिपी में कंपटीशन कि किसका बेस्ट है। वो वाला बेस्ट नहीं दोस्तों, बढ़िया वाला बेस्ट। हमको तो दिख रहा है, आपको कैसे दिख रहा है? हमको तो दिख गए हैं। जिंदगी भर तुम्हें बुला न पाएंगे, आज खाएंगे। सोच रही हूँ कि लाला जी के लिए स्पेशल पकौड़ा खिलाए और उनके खूब मजे आ जाए। तो आप सोच गए हो, आप सोच रहे होंगे कौन सा पकौड़ा तो बनेगा, तब देखिएगा। यहाँ देखिए कितना लाल रसीला टमाटर, हरा प्याज की, तो जो हरा प्याज है ना इसका पकौड़ा बहुत बढ़िया बनता है, मतलब सूखे प्याज से ही बढ़िया बनता है। तो सब्जियां लेके चलते हैं। लाल के जैसे उड़ रहा है। देखिए गुलाल जैसे कैसे उड़ रहा है। कातिया अच्छा, चावल का आटा देख रहे हैं दोस्तों, लेकिन बिना गुलाल के ना अच्छा नहीं लगता है जी। अब देखिए सबको होली का फील दे ही रहे हैं। हमारे साथ शुरू करबो का होली के फील दे रहे हैं। तो दोस्तों क्या बोले, थोड़ा सा लगा लेती हूँ।
होली मुबारक। तो दोस्तों बिना गुलाल का तो भाई कलर का जितना भी फल हो अब तो सब चीट के काम खराब बंद कर दिया, त्रायदा हो गए लग गए। अरे ये बगी रहता है देखा ही ना अब हे में गिर जाए खाने में तो देखा हो तो देखिए फील दे रहे हैं तो अच्छा से दीजिए। हमको क्यों बोले आटा चालने के लिए, आटा चालने गई तो मेरा मन कर गया अब सारा बैगन में गिरी हमने की जाना कुछ ना हम मुंह में गिरा हमने कुछ हम काम करते नहीं तो हमें कैसे दिख रहा कैमरा में तो होली मुबारक हो दोस्तों, आप सभी को होली का ढेर सारा शुभकामना। और ये पता नहीं कौन से तरीके से पकौड़ा बना रहे भाई बैगन के जो किनारे का ये होता है ना हाँ। ये वाला ये किनारे का काट देना है हाँ। और इस तरह से पतला पतला कर दीजिएगा ना तो मतलब जल्दी बन जाएगा ये और सब क्रिस्प हो जाएगा पकौड़ा। इस तरह से पतला पतला काट देंगे तो अच्छा। ये देख रहे कितना पतला पतला है, सारा बैगन को इस तरह से काट दिए। जो लंबा बैगन है उसको इस तरह काट दिए हैं, अगर गोल बैगन आपके पास हो तो इस तरह से आप काट सकते हैं पतला पतला। कोई भी पकौड़े के लिए बैगन गोभी आलू कुछ भी दे सब एकदम मुलायम होना चाहिए, कहने का मतलब बतिया होना चाहिए तभी पकौड़ा खाने में मजा आएगा। तो गोभी को भी काट देते हैं, इस तरह का तो होता ही है। अब इसमें देख लीजिए कि ये जुआया हुआ नहीं है ना, कोची है ना, बस इसको छोटा छोटा पीस गोभी का रखिएगा, कट लगा दीजिएगा इस तरह से, क्योंकि हम इसको उबाल नहीं रहे हैं। अगर आप उबाल के बना रहे हैं तो बड़ा बड़ा पीस भी रख सकते हैं। बस इसको डंठल हटा देना है, इस तरह से सारे को तोड़ देना है और बीच बीच में इस तरह से कट लगा दीजिएगा। तो इधर हम सारा सब्जियों को काट देते हैं, इधर प्याज को भी बारीक बारीक काट देंगे, आलू को भी चिप्स की तरह काट देंगे। अरे मसाला तो पिसा, तो हम काटते रह जाए मसाला नहीं तो क्या करें। देखिए हम सबको गुलाल लगा रहे हैं। गुलाल लगा लो पहले भाई, गुलाल लगा लो तू। त्योहार बनाया गया है ना, खुशियों का त्योहार, बड़ा ही सोच समझ के बनाया गया है दोस्तों। अभी तो होली वाला दिन ना गाँव के लोग आएंगे लगाने के लिए, जब तक अपने से लगा ले रही। हंसकाय रहे जी हंसिए मत। तो दोस्तों आप लोगों को भी लगा दे रही हूँ कैमरा में ही। तो दोस्तों देखिए जो गुलाल वाला हाथ होता है ना, चाहे रंग वाला, होली के दो तीन चार दिन तक नहीं छूटता है, वो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में हाथ। जब यहाँ गर्दन का नहीं छूटता है तो और मजा आता है। तो हमको तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या बोलें, कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन आप लोग खूब इंजॉय कीजिएगा होली। होली त्योहार ही ऐसा है कि सबको इंजॉय करना चाहिए और मिलजुल के रहना चाहिए। तो चलते हैं फिलहाल मसाला पीसने, नहीं तो हस्बैंड नाराज हो जाएंगे। बहुत हो गया भाई, लेकिन अब काम कर लेते हैं, नहीं तो बोलेंगे कि जल्दी जल्दी नहीं कर रही है। तो दोस्तों ये रेसिपी स्पेशल हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं, आप लोग भी इस तरीके से बनाइए। तो यहाँ पे देखिए मिर्ची लिए हैं, जितना पकौड़ा में तीखा चाहिए आपको, एक गांठ हल्दी, दो गांठ लहसुन, और ये डेढ़ चम्मच है जीरा, और काली मिर्च 10-12। ठीक है दोस्तों, डंठल कल तोड़ लें चाहे इसी में धर के पीस दें। बिना उसे रंग लगाए ओहो ये सा मोटका में हरियर का मिर्चा ना रखा हो गाना गा रही हूँ, मोटका में हरियर का मिर्चा ढूंढ रहे हैं। मोटका मिर्चा का मीठा अति पकौड़ी बहुत बढ़िया बना रहा हूँ। हाँ तो लाई हूँ ना, आप ही को बना के खिलाऊंगी, काहे का बना इधर ही रखी हूँ। बिना उसे रंग लगाए होली निकल न जाए ओहो। तो दोस्तों देखिए
ये गाना कितना फेमस है जी ने, सचिन जी जो जो बन गाना मतलब गाना को एक्ट किए हैं, जो हीरो हैं इतना अच्छा लगते हैं पूछे मत, ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसको ये गाना पसंद नहीं होगा। तो दोस्तों होली का तो सारा का सारा गाना अच्छा लगता है, पर मैं कभी कभी गा लेती हूँ ऐसे ही बिना होली का भी गा लेती हूँ। तो अच्छा लग रहा है, मसाला पिस्तौले तो चिल्लाएंगे, मरचा ढूंढ रहे हैं। मसाला में अदरक डालियो क्या? अदरक डालो इससे और चटपटा बनेगा। देख रहे दोस्तों आज मसाला पिसवा पिसवा के मेरे को खिलाएंगे चटपटा पकौड़ा। बीबी को मिक्सर ग्राइंडर समझ रहे हैं। मिक्सर ग्राइंडर आता है 2000 रुपया, इनका खर्चा है हफ्ता में 2000 रुपया, तो इससे बढ़िया है ना हाथी घोड़ा खाती हूँ का। लीजिए कुछ के पीस दे रहे हैं, आप भी तैयार करेंगे। जबान कितना तेज चलता है पूछिए मत। हाँ तो आपका वीडियो भी चलता है मेरे वजह से। क्यों मेरे देखने वाले लोग नहीं है क्या? कितना तो लोग बोलते हैं कि खाली बोलती हो। मैं दोस्तों भगवान मुंह दिए इतना सुंदर तो बोलना तो पड़ेगा। तो देख रहे दोस्तों पकौड़ा का मसाला तैयार हो गया, इतना मेहनत करती हूँ लेकिन ये पकौड़ा बना के अपने प्रिय गेस्ट घर के अगल बगल लोग के खिला दिए ना, तो उंगली चाटते रह जाएंगे, आपका मालपुआ छोड़ के पकौड़ा खाएंगे, क्योंकि उस दिन मीठा मीठा खा के मन हो जाता है मीठा, तो लोग चटपटा ढूंढते हैं। तो यहाँ पे 250 ग्राम बेसन लिए थे और इसी में डालेंगे 4 चम्मच के करीब चावल का आटा, इससे पकौड़ी क्रिस्प बनता है। अगर आप सिलवट्टे पे मसाला नहीं पीसना चाहते हैं, नहीं है आपके पास, तो मिक्सी जार में ही पीस सकते हैं, लेकिन सिलवट्टे का टेस्ट बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। सब्जी के हिसाब से हम बेसन लिए हैं, अगर आप सब्जी कम लिए हैं तो बेसन कम लीजिएगा। तो सब्जियाँ देखिए बहुत सारा सब्जियाँ लिए हैं हम। तो सबसे पहले हम बैंगन आलू को काट के और पानी में डाल दिए हैं ताकि ये काला नहीं हो। 7-8 हरी मिर्च दिए हैं, आपको मोटा मिर्च मिलेगा तो भी दीजिएगा, पकौड़ा बहुत बढ़िया बनता है, हरी मिर्च का भी टेस्टी बनता है, लेकिन इसका बीज निकाल दीजिएगा, मतलब कम कर दीजिएगा तो भी कम तीखा हो जाएगा। यहाँ पे हरा प्याज है, मेथी है, पालक है, एक टमाटर है, और यहाँ देखिए पनीर दिए हैं 250 ग्राम, ये आधा किलो करीब गोभी है, गोभी को इस तरह से काट दिए हैं। अब चलते हैं इसका बैटर तैयार करेंगे, एक ही बैटर में सारा पकौड़ी बनाएंगे। तो एक ही बैटर से हम सारा पकौड़ी बनाएंगे, तो इसमें डालेंगे आप स्वाद अनुसार नमक, इसमें नमक थोड़ा सा तेज रखेंगे तभी सारी सब्जियों का नमक इसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लगभग 2 टीस्पून से थोड़ा ज्यादा ही नमक, बैटर को मिक्स कर देते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसे स्मूथ बैटर बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मोटा बनाएंगे, बहुत ज्यादा पतला नहीं बनाएंगे, इसमें गुठली नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा ना तो गुठली नहीं बनेगा। तो यहाँ देखिए इस तरह से घोल बना रखे हैं, अब चलते हैं चूल्हा जलाने। इसमें थोड़ा सरसों तेल भी मिक्स कर देंगे, इससे पकौड़ी का टेस्ट और बढ़ जाता है। देखिए पानी में रखने के बाद ये काला नहीं हुआ है, इसको निकाल देते हैं। और जो जो चीज़ को आपको पकौड़ा बनाना हो पहले पानी से निकाल के 1 मिनट पहले रख दीजिएगा, ताकि बेसन नहीं तो आपका पतला हो जाएगा। तो इसमें इस तरह से इसको डीप करना है, बेसन को झाड़ देना है, फिर उल्टा इस तरह से करना है कि बेसन इसी में घूमता रहे, और डाल देंगे। इसको डालने के 1-2 मिनट बाद ही हम इसको चलाएंगे, आंच मीडियम रखेंगे, बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, अगर कम रहेगा ना, अगर गैस आपका धीरे रहेगा ना तो बहुत सारा दाना आ जाएगा, तो इसे आंच भी मीडियम रहना चाहिए। अब 1-2 मिनट के बाद इसको पलट देंगे। और इसे अलट पलट के जितना भी आपको क्रिस्प बनाना है
बना सकते हैं। अगर थोड़ा सॉफ्ट खाना है तो जल्दी निकाल दीजिए, मतलब कम से कम 4-5 मिनट लग जाएगा इसको। तो हमें इसी तरह सारे पकौड़े को बनाना है, मतलब पहले 2 मिनट के बाद डालेंगे, 2 मिनट के बाद पलट देंगे, और उसके बाद अगर आपको और भी क्रिस्प करना है तो थोड़ा सा एक बार और पलट दीजिए। जितना भी आपको क्रिस्प बनाना है इसी तरह सारे पकौड़े बनेंगे। जैसे गोभी का है थोड़ा टाइम लगेगा, आलू का है थोड़ा टाइम लगेगा। क्या होता है कि बहुत सारा पकौड़ा हम लोग बनाते हैं ना, तो मोटा मोटा थोड़ा काट के उसको एक बार गर्म पानी में डाल के भाप देते हैं, तो वैसे भी बनाते हैं और इस तरह से ही बनाते हैं। दोनों तरीका आसान है, जिस तरह से आपको मर्जी करे उस तरह बनाइएगा। तो अब इसे पहले थोड़ा सा कढ़ाई के साइड में रखेंगे, तेल इसका निचोड़ जाने देंगे और फिर इसको उठा के एक प्लेट में डाल देंगे। ये देखिए दो ही आ रहा है, ये देखिए। और आलू का बना देते हैं। होली वाला टोपी नहीं खरीदे दोस्तों, अपने तो गमछा बांध लिए हैं, मेरे सर में कोई लगा देगा तब। इसे निकाल देते हैं, मतलब जैसे कि हम बैंगन का पकौड़ा बनाए, आलू का बनाए तो उसको डबल फ्राई नहीं करते हैं, लेकिन गोभी का बनाएंगे या प्याज का बनाएंगे तो उसको डबल फ्राई करना पड़ता है, क्योंकि ये इतना जल्दी क्रिस्प नहीं होता, इसको टाइम लगता है। खाने के लिए आप ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा क्रिस्पी खाना है तो इसको आपको डबल फ्राई करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा, तो आँच को आप इस समय पूरा तेज कर देंगे और उसके बाद आपको 4-5 पीस करके दिखाते हैं। एक बात बताना जरूरी था, बहुत सारे लोग बेसन में सोडा डालते हैं, तो बेसन के ऊपर डिपेंड करता है कि पकौड़े में सोडा डालना है कि नहीं डालना है, पहले आप चेक कर दीजिएगा। क्योंकि हम दिल्ली में बनाते थे अपने ढाबे पे ना, तो उसमें सोडा हम डालते थे, वो बेसन उस तरह का था, लेकिन यहाँ हम गाँव में जब से पकौड़ी बनाते हैं तो देखते हैं कि अपने आप बढ़िया से क्रिस्प हो जाता है, सोडा डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो तेल को चढ़ा देते हैं, फिर इसमें 2-4 पीस क्रिस्प करके दिखाते हैं। जितना पकौड़े को हम क्रिस्प करके दिखाते हैं, ये ज़्यादा गर्म है तो अगर आप चाहें तो इसमें कपड़ा भी रख दीजिएगा, नहीं तो इस तरह से दबा दीजिएगा। तेल बढ़िया से गर्म हो जाएगा तो इसको डाल देंगे इसी में। वैसे जैसे कि मैंने बताया कि गोभी के पकौड़े को क्रिस्प कर सकते हैं, प्याज के पकौड़े को क्रिस्प कर सकते हैं, और जैसे कि पालक का बना रहे हैं, मेथी का, प्याज का, ये पत्ते वाला जो, उसको भी क्रिस्प कर सकते हैं, बाकी ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन क्रिस्प आपको पसंद होगा तो इस तरह से दबा दबा के और करिएगा। तेल गर्म रहेगा ना तो ये फटाफट, 1 मिनट भी नहीं लगता है, फटाफट क्रिस्प हो जाता है। और इसको आप निकाल लेंगे, पनीर के जो पकोड़े बनाए ना थोड़ा सा मोटा मोटा काटिएगा इस तरह से, ये देखिए। तो आपको जिस साइज का बनाना हो उस साइज का कट कर दीजिए। ये फीका होता है ना तो अंदर तक इसमें मसाला, ये जो हम बेसन डालते हैं वो नहीं जा पाता है, तो इसमें ऐसा कट लगाएंगे। कट लगा के चाट मसाला, लाल मिर्च, जो भी आपको पसंद हो इस तरह से आप कोट कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि अंदर से भी ये फीका नहीं लगेगा, चटपटा लगेगा इस तरह से। तो पनीर का ही बन गया पकौड़े। तो पहले मिर्च का पकौड़ा बनाते हैं। टमाटर का पकौड़ा इसी मिर्च के पकौड़े में ही बना देंगे।
तो इस तरह से चाहे देसी हो बॉम्बे हो कोई भी बना सकते हैं आप। अगर टमाटर का पकौड़ा आपको साबुत बनाना है वो भी हमारे चैनल पर अपलोड है, तरह का कट करके बनाइएगा तो भी बढ़िया बनेगा। ये हमारे टमाटर के ही पकौड़े बन गए और इधर ये मिर्च के भी बन गए। ये जितने पत्ते टाइप के पकौड़े हैं जैसे कि पालक का, मेथी का और ये प्याज का, ये सारे को मिक्स करके ही बना सकते हैं, अलग अलग ही बना सकते हैं तो भी आपका बढ़िया बनेगा। ऐसा कोई नहीं है कि आप पालक का ही अलग बनाएं, उससे टाइम बचता है, तो इस वजह से हम इसको मिक्स करके बना रहे हैं। अब इसको मिक्स कर देंगे, अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा बेसन अगर कम पड़े तो डाल दीजिएगा, वैसे मेरे पास कम नहीं है, मेरा हो जाएगा, अगर कम पड़ेगा तो थोड़ा सा डाल दीजिएगा। अगर आप ज़्यादा ही चटपटा पसंद करते हैं तो इसी में 4-5 हरी मिर्च बारीक करके डाल दीजिए। तो थोड़ा देर इसको बेसन में रखेंगे ना तो ये बढ़िया से थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा पेस्ट रेडी हो गया है, अब चलते हैं बनाने। तो थोड़ा थोड़ा गोल गोल इस तरह से गोल गोल बनाएंगे और एक जगह छोड़ते जाएंगे। इसका पत्ता एक दो छिटकता है कोई बात नहीं है, वो भी बढ़िया बन जाएगा। मिक्स पकौड़ा भी क्रिस्प हो गया है, इसको भी निकाल देते हैं। इसी तरह बाकी पकोड़े को भी बना देंगे। दोस्तों हांडी वाला भात हम बनाए हैं, आप लोग कहते हैं ना कि हम कुछ नहीं करते हैं, बहुत काम करते हैं। तो एक कठा बोदी है धनिया ये जान, हम कुछ कुछ खाए। दोस्तों चटनी नहीं पीसे हमारे हस्बैंड जी, हमको पीसना पड़ेगा। अरहर के दाल बनाए हैं, अरहरी के दाल। जैसे कि पुआ खा के उब जाते हैं ना लोग, तो दाल चावल खाने का मन करता है। इसमें पकौड़ा दे दीजिए जी। तो पकौड़ा बहुत सारा बन गया है, लेकिन अगर आप पकौड़ा बनाइएगा तो हरी चटनी जरूर बनाइएगा इसके साथ। हरी चटनी की रेसिपी हमारे चैनल पर अपलोड है, लेकिन आज क्या हुआ है कि मैडम बना दी है दाल चावल, उसके साथ हम लोग खाएंगे पकौड़ा जो होली में खाते हैं। जब पुआ पकवान से मन थक जाता है तो खाते हैं दाल चावल पकौड़ी। हाँ, किसी गेस्ट के आने पे दोस्तों इस पकौड़ा का सर्विंग कीजिएगा चटनी के साथ ना, तो मजा आ जाएगा उनको, सारा पकौड़े खत्म हो जाएगा। हमारे जैसे गेस्ट अगर आ गए ना तो सबसे पहले पकौड़े खत्म हो गए। तो हैप्पी होली दोस्तों, हमारे पूरे फैमिली की तरफ से आप लोगों को एडवांस में होली मुबारक। तो दोस्तों ये वीडियो पहले ही बन रही है, तब तक आप तक पहुंचते पहुंचते 10 दिन लग जाता है, 15 दिन है, तो समझ सकते हैं पहले दिल्ली जाएगा वीडियो, फिर आएगा, आते आते होली तक पहुँच ही जाएगा। गाना देखो बहुत फेमस हो रहा है हमारे बिहार में कि वहीन होली के बाद समझ गए होंगे। तो पकौड़े उकौड़ी सारा बन गया है, तो आपको सर्व करके दिखाते हैं और सब आदमी हम लोग खाते हैं और आप लोग भी इस तरह बना के खाइएगा। इसको क्रिस्पी दोबारा करते हैं। तो इसमें तो मैं आपको गोभी क्रिस्प करके दिखाया था, यहाँ देखिए हम पनीर को भी क्रिस्प कर दिए हैं, या मिर्चा कर दिए हैं, बैंगन कर दिए हैं और ये सारा मिक्स वाला भी क्रिस्प कर दिया, देख रहे हैं एकदम, ये देखिए पूरा क्रिस्प है। तो इस तरह से दोबारा क्रिस्प करके ही बना सकते हैं। तो यहाँ पर जितना आपको पकौड़ा खाना है उस तरह से पकौड़ा ले लीजिएगा। अभी तो फिलहाल इसमें 5 ही पकौड़ा रखे हैं, बाकी जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा दे देंगे। हाँ तो इसमें ले चलती हूँ ना, काहे घबरा रहे हैं दोस्तों, हम ज्यादा नहीं खाते हैं। चलिए पहले आप खाएंगे कि हम, पहले आप ही खा लीजिए। हम तो सलाद खाए, सलाद बाद में खाइएगा। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइए, अभी कुछ आदमी आया नहीं है, लेकिन हम सबसे पहले आपको टेस्ट करके बताते हैं कि पकौड़ा बना कैसे है। ये तो बाबा नाइंसाफ भी है, पकौड़ा बोल के दाल चावल खिला रहे, उसके बाद ही तो मजा आता है। बहुत बढ़िया पकौड़ा बना है, एकदम क्रिस्पी। तो दोस्तों इतना सारा तो खाना बना है, सबसे पहले पकौड़ा ही खाते हैं, आज पकौड़ा खा के दी जाए। है इतना मस्त क्रिस्पी है ना कि कहा बताएं। है बढ़िया, सुपर, लाजवाब।
हमरा के पनीर वाला बचा दे चार गो आठ गो बनो दे बट चार गो चार दो तो मैं खा चुका हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को क्या चीज खाना पसंद है पकवान में होली पे बताइएगा कमेंट में, हमें इंतजार रहेगा आपका कमेंट का, इनका कमेंट हम चेक करेंगे आज।